और ब्रजभूषण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा चलते हैं। सरकार से बात करना है या उनको कहीं कानूनी सलाह लेना है तो ये मेरा काम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। सर, हमने ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। ब्रजभूषण जी, जो लेटर आया उसमें कहा गया है कि WFI का ऑफिस वही है जो जहां पर जिस शिकायत की गई थी यौन शोषण हुआ वहीं पे फेडरेशन काम कर रही है, तो क्या ऑफिस बदलेंगे? मैं नए पदाधिकारियों से चाहूंगा कि वो अपने ऑफिस की व्यवस्था कर लें, और जब उनके ऑफिस की व्यवस्था हो जाए तो अपना ऑफिस नए स्थान पर ले। शुरुआती दौर से ही ये चल रही है खबर कि संजय सिंह आपके बहुत ही करीबी हैं। देखिए, करीबी तो आप भी मेरे हैं, संजय सिंह भुइहार हैं, मैं राजपूत हूं, छत्री हूं, तो संबंध हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, कुश्ती से जुड़े हैं वो 15 साल से, तो कुश्ती में कौन ऐसा है जिससे मेरी जान पहचान नहीं होगी या मेरे संबंध नहीं होंगे? आपके दबदबे पर क्या असर पड़ेगा जो आपका दावा? देखिए, जो आई वो गई, अब मुझे आगे देखना है। कभी नहीं, आपने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ हुआ चुनाव, सरकार ने इसे निलंबित क्यों कर दिया? उसका ये मेरा जवाब नहीं, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। एक सवाल साहब, एक सवाल हमने आपसे गोंडा में भी पूछा था, 2024 के चुनाव अब 100 दिनों के अंदर है, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज सीट से ही लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? ये बातें हो रही थी कि आप शायद अयोध्या जा सकते हैं या किसी और सीट से लड़ सकते हैं, कैसरगंज से आप नहीं लड़ेंगे अगला चुनाव? देखिए, कैसरगंज, वैसे तो मैं 2 बार गोंडा से रह चुका हूं, मेरी पत्नी भी गोंडा से सांसद रह चुकी है, फिर बलरामपुर से भी हम सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार हम कैसरगंज से सांसद हैं। लेकिन ये हमारा गृह क्षेत्र जो है, हमारा गांव या हमारा घर, पहली बार कैसरगंज लोकसभा में है 3 चुनाव से, तो हमारी तो प्राथमिकता यही है कि हम अपने घर से लड़ें, और बाकी पार्टी की इच्छा। अनुराग ठाकुर से बातचीत हुई क्योंकि पहलवान मेरा रोल ही नहीं है, मेरा रोल समाप्त हो गया चुका है, मेरा रोल समाप्त हो चुका है, मेरा कोई रोल नहीं है। आज के इस फैसले से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? आज का जो फैसला है उससे ब्रजभूषण पर क्या असर पड़ता है? देखिए, आपके सामने बैठा हूँ, आप लोग इंतजार कर रहे थे, हमने तुरंत आपसे कहा कि आप अलग अलग पूछने के बजाय आप एक साथ आइए, मैंने आपको एक साथ बुलाया। अब आपको अगर कुछ लग रहा हो कि मैं बहुत नर्वस हूं और बहुत या इसको लेकर के टेंशन में हूं, मैं क्यों हूं टेंशन में? जब तक मैं अध्यक्ष था तब तक था, चुनाव हो गया। सर, एक सवाल है, मेरा बजरंग पुनिया ने कहा कि वो इसलिए दुखी है क्योंकि वो महिलाओं को न्याय नहीं दिला पाए। मैंने उनसे सवाल किया सर कि आपका टारगेट यौन शोषण के मामले में न्याय होना है या फिर अध्यक्ष पद है, तो उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट दोनों में है, हम इसी बात से दुखी हैं कि एक तो मामला चल रहा है इधर अध्यक्ष पे कब्जा एक तरीके से ब्रजभूषण जी का। देखिए, यौन शोषण, यौन शोषण का जो प्रकरण है वो अदालत में विचाराधीन है जी, इस पर उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, और व्यक्तिगत मुझको क्या कहता है, कोई क्या कहता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। 11 महीना से गरिया रहे हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह रहे हैं, उनको मुबारक, अपना काम कर रहे हैं, मुबारक। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, आपको लगता है पॉलिटिक्स हो रही है? यौन शोषण के मामले में 1 जनवरी में बैठे थे मुझे याद है, और आज जाके अध्यक्ष पर पूरा मामला। देखिए, ये फर्स्ट गांधी से भी मिले थे सर, देखिए ये फर्स्ट डे से ही इसमें राजनीति है जी। अब आप देखिए कि कौन इसमें शामिल नहीं हुआ, कांग्रेस भी शामिल हुई, टुकड़े टुकड़े गैंग भी शामिल हुई, आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई, तमाम लोग हैं, क्या क्या करें, हम तो अपना झेल रहे हैं।
सर साक्षी मलिक पर क्या बोलेंगे, उन्होंने संन्यास लेने की भी बात की है। तो हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। उन्होंने संन्यास लिया, हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। सिंह साहब एक सवाल है, 12 साल अध्यक्ष रहे हैं, आपके आखिरी के 11 महीने जो आप अभी कह रहे हैं, इसमें ऐसा क्या हुआ? आप जब आप अध्यक्ष नहीं है, आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ? वो सब बातें कई बार मीडिया के संज्ञान में आ चुकी है, देश के संज्ञान में आ चुकी है। उन दोनों बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। ये बात मीडिया बंधु नहीं कह रहे हैं। आप जो है हमेशा अभी कोई ऐसा सवाल चुभता हुआ करेंगे, क्योंकि आपको पढ़ा करके भेजा जाता है, आपको विशेष करके जितने लोग बैठे हैं उसमें आप अकेले हैं जो हमेशा उकसाने का काम करते हैं। बिल्कुल नहीं सर, मैं इतना कह रहा हूं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है कि जो पुरानी बॉडी है उसका कहीं ना कहीं कंट्रोल है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह रही है। देखिए, अब जो कुछ कहना है वो नई बॉडी कहेगी। हमने आप ये मान करके खुशी खुशी मेरे पास भाई और बहुत काम है मेरे पास। अब मैं अपना काम करूंगा, अपना चुनाव देखूंगा। कुश्ती को लेकर पार्टी आला कमान से मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कोई इंस्ट्रक्शन दी है? नहीं कोई। भूषण जी, आप बात ठीक है, इतने लंबे समय से आप से जुड़े रहे, आपको बहुत तजुर्बा है, अनुभव है, ये बात ठीक है कि नई बॉडी करेगी। आपको क्या लगता है कि ये निलंबन अगर सब कुछ नियम कानून से हुआ क्यों हुआ? आप तो भी कुछ सोचते हो भाई, एक व्यक्तिगत राय आपकी क्या, निलंबन होना व्यक्तिगत सवाल का जवाब तो नहीं। तो अगर मुझे बताया गया तो मैंने अपनी स्थिति साफ कर दी। नंदनी नगर में क्यों चुना गया? क्योंकि 4 दिन के अंदर कोई करा नहीं सकता। नंदनी नगर में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और वहां भी रेसलिंग एकेडमी चलती है, पहला कारण तो वो हो गया। दूसरा, 31 दिसंबर के बाद ये टूर्नामेंट हो नहीं सकता, और देश के 2500 के 2500 फेडरेशन ने हाथ खड़ा कर दिया कि इतना जल्दी हम व्यवस्था नहीं दे सकते। अब अगर ये इसका कोई गलत मतलब निकाला गया हो तो इसके लिए आप लोग इंस्ट्रक्शन देना बंद करिए। आप लोग भी देते हैं, सब लोग देते हैं, इंस्ट्रक्शन देना मत करिए मीडिया वालों को, क्योंकि दुश्मन इसमें नहीं है, पूछने दीजिए जितना पूछ रहा है। तो मेरा रोल समाप्त, आपके लिए समाचार समाप्त, उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। 11 से 12 साल आपने कुश्ती को दिए, आपके कई लोग आते होंगे खासतौर पे यूपी से जो पहलवान बनने की कोशिश करते होंगे छोटे। अब उनके लिए तो काम करता रहूंगा। अब ये एकेडमी हम चला रहे हैं, एकेडमी में मेरे 100-150 बच्चे हैं और मैं खुद जो है कुश्ती खेला हूँ और कुश्ती के बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे भी कान टूटे हैं जबकि मैं बड़ा पहलवान नहीं था। मेरे पिताजी भी कुश्ती लड़ते थे, मेरे बाबा भी कुश्ती लड़ते थे। पहले ये गांव में ये जिम नहीं होता था, गांव में हर आदमी जो है शौक से अखाड़े पर जाया करता था। हम भी गए। तो अब कहिए कि हम अपनी एकेडमी बंद कर देंगे? नहीं, लेकिन अब ये जो मतलब आप कह सकते हैं संघ की राजनीति है, और खुशी खुशी किसी दुख के साथ नहीं। चुनाव हो गया भाई, अध्यक्ष चुन लिए गए, सेक्रेटरी चुन लिए गए, वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए, पूरी बॉडी चुन ली गई, अब संभालें वो। तो रद्द करने पर नाराज है आप? अरे हम काहे नाराज होंगे। अच्छा भूषण जी, नड्डा इससे कुछ चुनावी बात हुई होगी, वही बताइए ना है? कुछ चुनावी बात हुई हो, क्या चर्चा हुई ऐसे समय में? आप जाना सर, आप अयोध्या जाएंगे क्या अभी? कल ही से अयोध्या तो कल गए थे। अयोध्या में मेरा घर है भाई। सर एक मेरा घर जो है अयोध्या विकास क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। सर एक सवाल है मेरा, क्योंकि आप कुश्ती से आपका काफी पुराना रिश्ता है और आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे में बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री वापस, देखिए उनका रिएक्शन आप? नहीं, अब जो मुझे इतना गाली देता हो मैं उस पर क्या रिएक्शन दूं, उनको क्या सलाह दूं? वो उनका निर्णय है, उसमें हम उनको कोई सलाह नहीं दे सकते। सड़क पर छोड़कर आगे अब ये मेरा विषय नहीं है। आपको दुख हुआ वो देखिए? देश ने सम्मान दिया था उनको, अब ये उन्हीं से पूछिए, हमारा विषय नहीं। कहा जा रहा है भूषण जी कि ये नया फ्रंट खुल जाता, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, साक्षी मलिक का इस्तीफा, और तो उससे सरकार को असर पड़ रहा था, इसलिए ये कदम लिया गया। अब ये हम नहीं बता सकते, ये हमारा विषय नहीं। सर 2024 के चुनाव अब आने वाले हैं, एक तरीके से इंडिया ब्लॉक जो है वो एक
बीजेपी के खिलाफ एक खड़ा करने के लिए है कि शायद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़े। कैसे आप देखते हैं अपने क्षेत्र के चुनाव को जो आपका पूरा गोंडा और देखिए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ बनेगी और अभी 20 साल इस देश की राजनीति मोदी जी के हिसाब से होगी। मोदी जी जो चाहेंगे वो होगा। आज के तारीख में अपोजिशन में मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ता है। कम से कम 20 साल। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को आप सुन रहे थे। कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया गया है, जिस पर उन्होंने रिएक्शन दिया और साथ ही कहा कि रेसलर्स ने अगर संन्यास लिया है तो मेरा भी संन्यास है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। डीएमके ने एक बार फिर से उत्तर भारतीयों को लेकर विवादित बयान दिया है और इस बयान में उन्होंने कहा है, कई बड़ी बातें कही गई और आपको बता दें कि अमर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो केवल हिंदी बोलते हैं वो निर्माण कार्यों के लिए तमिलनाडु चले जाते हैं, जहां वो सड़कों और शौचालयों की सफाई जैसे छोटे मोटे काम करते हैं। दयानिधि ने कहा है और इस बयान को लेकर अब सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा रिएक्शन सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। நல்ல இங்கிலீஷ் ஆங்கிலம் தெரிந்த காரணம் எல்லாம் நீங்க ஐடி கம்பெனியில் கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறாங்க, இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தின்னாங்களே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா வேலையும் வந்த யூபியில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டித்தரான், சாலையை பெருக்கிறான், கக்கூஸ் கழுவுறான், இதுதாங்க ஹிந்தி படிச்சாங்க. तो आपने सुना क्या कुछ कहा? तो यूपी और बिहार के लोगों को लेकर आपत्तिजनक बयान, जिसके बाद में अब लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है यूपी और बिहार के, और ऐसे में यूपी और बिहार के लोगों का अपमान किया। तो अपनी भाषा में जो बयान दिया है उन्होंने कहा कि तमिलनाडु आकर छोटे मोटे काम करते हैं, सड़कों और शौचालयों की सफाई जैसे छोटे मोटे काम करते हैं यूपी और बिहार वाले। तो डीएमके सांसद को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो केवल हिंदी बोलते हैं वो निर्माण कार्यों के लिए तमिलनाडु जाते हैं और उसके बाद में वहां पर सड़कों और शौचालयों की सफाई जैसे छोटे मोटे काम करते हैं। तो यूपी और बिहार के लोगों का अपमान भरा ये बयान, जिसको लेकर अब लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। हालांकि पहले भी इस तरह की बयानबाजी डीएमके के नेताओं की तरफ से कही गई थी और उस पर भी लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ा था। दयानिधि मारन के बयान को आपने सुना और इस बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। जो भाषा बोलते हैं मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन इसका जवाब श्री राहुल गांधी जी को देना चाहिए, श्री अखिलेश यादव जी को देना चाहिए और जो ऐसी पार्टियों से अपने रिश्ते रखते हैं और उत्तर भारत में राजनीतिक सफलता की आस भी रखते हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। हमारे लिए उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सारा भारत एक है, सारे भारतवासी एक हैं और देश की प्रगति में सबके सहयोग की अपेक्षा रहती है और इस प्रकार के जहरीले बयानों के लिए अब देश में कोई आसान नहीं है। इस प्रकार के बयानों से किसी को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। जब इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन इसका जवाब श्री राहुल गांधी जी को देना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके नेता और साथी इंडी गठबंधन को अहंकारी बताया है। देखिए वो अहंकारी लोगों को, घमंडिया गठबंधन को इस बार देश भर की जनता उत्तर देने वाला है, तमिलनाडु में भी उनको उत्तर मिलेगा। देखिए वो अहंकारी लोगों को, घमंडिया गठबंधन को इस बार देश भर की जनता उत्तर देने वाला है, तमिलनाडु में भी उनको उत्तर मिलेगा। डीएमके सांसद दयानिधि मारन के बयान के बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी निंदा की। उन्होंने कहा है कि बिहार और यूपी के मजदूरों की पूरे देश के लोगों में मांग देखी जाती है,
अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी ठप हो जाएगी। हम इस बयान की निंदा करते हैं और दूसरे राज्यों के नेताओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। यूपी के लोगों को जो मजदूर है, पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं, अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी। लोग आके हमारे यहाँ इस तरह का काम करते हैं, तो ये निंदनीय है, इसलिए हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं। और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को, चाहे कोई दल में हो, बचना चाहिए।